हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाली हर एक बैंक एग्जाम, एसएससी और अदर गवर्नमेंट स्टेट की एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आसानी से व्यापार सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक क्या था। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 95, 68, 83 या 77। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 477। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपके सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और किस देश के बीच समझौते अपनी स्वीकृति दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है नेपाल, मोरक्को, रूस या फिर जापान। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है आपका मोरक्को, यानी कि ऑप्शन टू यहाँ पे एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को 1 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन से राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली या सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर होगा वो है आपका राहुल द्रविड़, यानी कि ऑप्शन वन यहां पे एकदम सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने भारत, चीन, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, वर्ल्ड बिनिथ हीज फीट किसकी जीवनी है। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुलेला गोपीचंद। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आता है, दिल्ली के वजीराबाद के पास यमुना नदी पर निर्मित सिग्नेचर पुल का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, इस पुल की लंबाई कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 675 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस खिलाड़ी ने T20 में सबसे तेज 1000 रन बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ऑप्शन है मोहम्मद हाफिज, बाबर आजम, रॉस टेलर या फिर उस्मान ख्वाजा। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बाबर आजम, यानी कि ऑप्शन टू एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, किस देश ने भारतीय सैनिकों जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़े थे के सम्मान में एक मूर्ति स्थापित की है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जापान, दक्षिण अफ्रीका, रूस या फिर इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, योग गुरु बाबा रामदेव ने गारमेंट्स इंडस्ट्री में कदम रखते हुए किस नाम से अपना स्टोर का उद्घाटन किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका परिधान, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जिसने पूरी तरह से परिचालन शुरू कर दिया है, इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है कलवरी, अरिहंत, विक्रांत या फिर रक्षक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अरिहंत। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कौन से जिले का नाम बदलकर श्री अयोध्या करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फैज़ाबाद। फैज़ाबाद का नाम बदलकर श्री अयोध्या रखने की घोषणा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में की थी। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 12, एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया, यह स्टेडियम किस शहर में स्थित है, पुणे, जयपुर, लखनऊ या फिर हैदराबाद। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका लखनऊ, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, केंद्र सरकार ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत किन सब्जियों के दाम को साल भर एक समान रखने की कोशिश करेगी। ऑप्शन है टमाटर, आलू, प्याज या फिर उपरोक्त सभी दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि टमाटर, आलू और प्याज,
इनकी कीमतों को साल भर एक समान रखने की कोशिश करेगी केंद्र सरकार ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने हाल ही में हेवनली पेरेस अंतरिक्ष अड्डे का अनावरण किया? ऑप्शन से रूस, चीन, भारत या फिर अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चीन। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 15, मो बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन से राजस्थान, ओडिशा, बिहार या फिर गुजरात। तो इसका एकदम सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 16, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के लिए मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, चुनाव आयोग महिला मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में संघवादी मतदान बूथ स्थापित करेगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आता है दोस्तों, भारत 2019 की शुरुआत से किस देश को कच्ची चीनी के निर्यात को फिर से शुरू करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चीन। क्वेश्चन नंबर 19, तुर्की में आयोजित विश्व कप फाइनल में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने महिलाओं का रिकर्व स्पर्धा में लीजा उंडरू को हराकर कौन सा पदक जीत लिया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कांस्य पदक, यानी कि आपका ऑप्शन 3 यहां पे एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2018 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जेम्स पी एलिसन और तासुकु होंजो। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जस्टिस रंजन गोगोई। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय मूल की किस महिला अधिकारी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गीता गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 का सर्वोच्च सम्मान मिला? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 26, किस बैंक ने अपनी ATM निकासी सीमा को 20,000 रुपये कर दिया है? इसका सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली असेंबली का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, न्यू दिल्ली। ICICI की निदेशक एवं CEO चंदा कोचर ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, उनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संदीप बख्शी। हाल ही में किस क्षेत्र में उगाए जाने वाले अल्फोंजो आम को जोआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोकण, महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य ने आतंकवाद निरोधक बल कवच का गठन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा। चुनाव आयोग ने अपने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए किस राज्य में गुलाबी बूथ यानी कि पिंक बूथ स्थापित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन का क्या नाम है? इसका सही नाम है मैड वॉच, यानी कि ऑप्शन 2 यहां पे एकदम सही आंसर होगा। हाल ही में दक्षिण भारतीय राज्यों में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने है, यहां पे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, तितली। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पर्यावरणविद तथा गंग एक्ट की मांग करने वाले किस एक्टिविस्ट का हाल ही में आमरण अनशन के कारण निधन हो गया? गंगा की सफाई को लेकर इन्होंने अभियान चलाया था और इनकी मांग थी कि गंगा को साफ किया जाए और इसी के कारण इन्होंने अनशन किया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रोफेसर GD अग्रवाल। वोडाफोन द्वारा हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए आरंभ की गई पहल का क्या नाम है? दोस्तों हाल ही राजस्थान एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सखी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस राज्य को विश्व के पहले पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 38, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही आंसर है पॉल एलन, यानी कि ऑप्शन टू यहाँ पे एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस सरकारी संस्था ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक वेबसाइट समर्पित की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, DRDO। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस लेखक लेखिका ने मैन बुक पुरस्कार 2018 जीता? इनका उपन्यास था मिल्कमैन। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, एना बेनर्स। क्वेश्चन नंबर 41, IRCTC ने रेल यात्रा संबंधी पूछताछ का जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किस नाम से एक नया चैट बॉक्स शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, आस्क दिशा। यूथ ओलंपिक खेलों 2018 में एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक किसने जीता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, सूरज पवार। निम्न में से किस राज्य में सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जो देश में इस तरह का पहला स्टेशन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हिमाचल प्रदेश। देश के किस राज्य में पहली बार किसी गौशाला में गायों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर बनाकर मोतियाबिंद ऑपरेशन की व्यवस्था की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान। किस देश द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा विमान बनाया गया जो जल और थल दोनों सतह पर कार्य कर सकता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर टू, चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता के बाद से पुलिस जवानों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन कब किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, 21 अक्टूबर 2018। हाल ही में किस देश द्वारा बिजली की खपत कम करने के उद्देश्य से कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, चीन। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बनने वाला कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, केरल। रेलवे ने अपने सफाई कर्मचारियों के पद सफाई वाला का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर टू, हाउसकीपिंग सहायक। आज का आखिरी प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 23 अक्टूबर 2018 को चीन और मकाओ को हांगकांग से जोड़ने वाले समुद्र पर बने दुनिया के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, चीन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।